टीकमगढ़ शहर में आए दिन हो रही चोरी को रोकने और चोरी जैसे मामले में लिप्त आरोपियों को शीघ्र पकड़ने के संबंध में नगरवासियों ने कोतवाली थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। टीकमगढ़ शहर के मऊ चुंगी पर स्थित दुकानों के ताले तोड़कर कीमती सामान और सड़क पर खड़े ट्रक से बैटरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों को शीघ्र पकड़ने के संबंध में नगरवासियों ने कोतवाली थाना प्रभारी को लिखित शिकायत दर्ज कराई, साथ ही पुलिस से चोरों को शीघ्र पकड़ने की गुहार लगाई। चोरियों के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। चोरियां होती है कहाँ पर? मऊ चुंगी नाके पर, मऊ एजेंसी के पास। कहाँ के रहने वाले हो आप? सब मुखाजी चौराहे के पास, टीकमगढ़। तो आपकी यहाँ चोरी हुई है? बिल्कुल हुई है सर। कितनी दफे हुई है? अगस्त माह में 4 बार। आपने शिकायत की है कभी? हाँ बिल्कुल की है सर। तो क्या कहा आपने इस बारे में? तो आवेदन भी दिया था 10 बजे रात के, तो सब 9 बजे रात के तो सब ताला ही खोल दिया था, फाटक भी तोड़ दिए थे। इसका आवेदन 100 नंबर को किया, 100 नंबर के बाद में सब ने डायल करवाया, 10:30 बजे आवेदन रात की दिया मैंने 10:30 बजे। उसके बाद कोई नहीं गया। सर बताइए, जो अभी ये चोरी के सब दो लोग पकड़े गए, रात्रि में मऊ चुंगी नाके पर कुछ गाड़ियों का सामान, जिसमें कबाड़े का सामान था, रस्ता वगैरह था, छोटे मोटे कबाड़े के सामान कुछ गाड़ियों से चोरी हुए थे, जो कुछ लोगों के द्वारा आज थाने पर रिपोर्ट पर सूचना दी गई, पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। इसमें दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उनसे चोरी गया लगभग माल बरामद कर लिया गया है। इसमें एक सचिन कुजवंदिया है और एक अन्य है, इसकी उम्र के बारे में भी स्पष्ट नहीं है, इसलिए उसका नाम नहीं बता सकता। बाकी इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। शहर में पहले जब भी जो चोरियां हुई है, उन चोरियों के संबंध में खुलासा होने की संभावना है। ऐसा क्यों हुआ है, लगातार चोरियां शहर में हो रही है? ये एक जातिगत समूह का कुछ इसमें ज्यादा रोल रहता है, जो कि एक बदमाश टाइप के मोहल्ला है, उसके लड़के हैं जो अक्सर चोरी करके छोटी छोटी घटनाएं करके भाग जाते हैं। पुलिस द्वारा इस पर दबिश दी जा रही है, लगातार दबाव बनाया जा रहा है ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। सर इसके अलावा यहाँ पुलिस बस स्टैंड के पीछे चौराहे पड़ता है, मुखर्जी चौराहे, रात के रात्रि के 11:30 बजे के बाद ये लोग लूट भी करते हैं, ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। अभी तक कोई घटना इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं हुई है, परंतु भविष्य में अगर इस तरह की होगी तो लगातार इनके ऊपर दबाव बनाया जाए ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।